ये हैं हसीन वादियाँ सोनमर्ग की, और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा है। पहाड़ों को देखिए और बस देखते ही। हेलो एवरीवन, तो जा रहे हैं हम श्रीनगर से सोनमर्ग की तरफ, और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, और हम साथी जो है फेलो राइडर मिल गए हैं, केरला से आए हुए हैं, और 15 दिन हो गए हैं इनको यहाँ पर। तो ये है सोनमर्ग की वादियाँ। जी हाँ, बर्फ से ढकी हुई है, और ये देखिए बढ़िया शानदार लाजवाब जबरदस्त, देख पा रहे हैं आप। ये है सोनमर्ग, और बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ में आने में हमारे लग गए हैं लगभग 2 घंटे के आसपास श्रीनगर से। यहाँ है बिल्कुल बर्फ, और मैंने रेनकोट तो मैं लेके आया था घर से ही, शूज ले लिए हैं रेंट पे, और अब चलने का वक्त आ गया है बर्फ में। ये देखिए, हाँ बर्फ में बर्फ, ये है बढ़िया बढ़िया बर्फ। हालांकि ये फ्रेश तो मुझे नहीं लग रही है, कई दिनों की है, पर चलने का मजा आप देखिए बर्फ के अंदर। हमेशा से ही मैं बर्फ में जाना चाहता था, पर टाइम कभी नहीं मिल पाया बर्फ में जाने का। तो आज ये मुझे मौका मिला है, और हम चल रहे हैं बर्फ में। ये है ताजा बर्फ। तो बर्फ खाने का मन है क्या किसी को? ये देखिए फ्रेश, एकदम फ्रेश, और इसके बनाएंगे हम लड्डू और खा जाएंगे। और मेरा बैग ही देखना, बैग, ओके। बढ़िया बढ़िया बर्फ पड़ी हुई है, बढ़िया बढ़िया पहाड़ है, और आप जो है इनका मजा ले सकते हो। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने साथ कोई भी जो है सामान कैरी करके ना ले जाए। मैं देखिए आप छोटा सा ये बैग लेके आया था, क्योंकि इसके अंदर लैपटॉप था, ड्रोन था, मैं नहीं चाहता था कि कोई उनको चुरा ले, तो इसलिए मुझे जो है अपने साथ कैरी करके यहाँ पर लाना पड़ा है। और अगर आप भी जो है ऐसा जो है पहले तो यह करें कि जो भी आपका सामान है वो होटल में ही रख के आए जब भी आप जो है पहाड़ों पर जाओ, और जो हिल एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं वो क्या होता है कि थोड़ा सा भी पहाड़ पर चढ़ते ही हम लोग थक जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको पानी की बोतल अपने साथ लेके चलनी है, क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ पर चलने पे भी आप जो है थक जाते हो, हाँफने लगते हो। तो अगर आप जो है पानी की बोतल नहीं कैरी कर रहे हो तो आपको बेयर ग्रिल बनना पड़ेगा। जी हाँ, सिचुएशन के हिसाब से
अपने आप को ऐसा तैयार करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको पानी ना मिले और आप पहाड़ पे चले जाओ तो आप जो है इस तरह की जो बर्फ़ है उसको ही खा सकते हैं। तो पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते वक्त तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर जब आप नीचे जाते हो तो इस तरह से आप जो है स्लाइड कर सकते हो और जो है मजे ले सकते हो। तो इस तरह से आप भी जो है जरूर कीजिएगा जब भी आप जो है पहाड़ों पे जाओ। और उतरने का जो है ये रास्ता मुझे सबसे बढ़िया लगता है, स्लाइडिंग। ओके, तो ये है सोनामर्ग की पहाड़ी, और इस पहाड़ी से ही, सोनामर्ग से ही जो ये देखिए नदी है वो निकलती है, जो ये बर्फ है यहाँ से पिघल कर ही इस तरह की जो नदी है वो बनाती है। और इसका जो पानी है ना बिल्कुल फ्रेश है, एकदम ताजा, क्लीन, प्योर। और जब तक वो नीचे आती हैं तो वो उनमें बहुत ही कूड़ा गंदा मिल जाता है और वो मैली हो जाती है नदियाँ। और यहाँ पर देखिए मन ऐसा करता है कि नहा लिया जाए, पर यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -3 degrees है, तो बहुत ही जमा देने वाला है। तो आइए थोड़ा पास चलते हैं पानी के, और देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं। ये देखिए हम बिल्कुल नदी के पास आ चुके हैं, और उधर क्लैरिटी ऑफ वाटर देखिए। अभी मैंने जो है मेरा पैर भीग गया, यहाँ पर जो है बर्फ है वो जमी हुई थी और उसी में ही मैंने अपना पैर डाल दिया। गलीमत है कि मेरे शूज हैं, वाटरप्रूफ हैं, कल ही लिए हैं मैंने 1500 के, नहीं तो अभी भीग जाते ये। और पूरे रास्ते मुझे गीले शूज में ही जाना पड़ता। ये देखिए कितना क्लियर पानी है। तो आपसे भी निवेदन है कि नदियों को गंदा ना करें और प्यार करें मदर नेचर को, वो भी आपको उतना ही प्यार करेगी। तो देखिए बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे, आके ही जाने का मन नहीं करता है पर जाना तो होगा ही। गुड बाय कश्मीर, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर।